कैच यू रितिक एक्सपोज। तो एज यू गाइस नो कि अभी के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी में क्या चल रहा है, हमारे रितिक भाई कोशिश में लगे कि गरीना वाले जल्द से जल्दी हमारी फ्री फायर इंडिया के बारे में कुछ तो आंसर करें कि हमारा फ्री फायर इंडिया कब आएगा कब नहीं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर अभी के टाइम पे रितिक भाई के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। अब ऐसी चीजें कोई वीबेज वाला यूट्यूबर करता तो मुझे कहीं ना कहीं बातें समझ में भी आती, लेकिन बिना वीबेज वाले यूट्यूबर्स भी रितिक भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। तो इन यूट्यूबर्स का कहना ये है कि जो हमारे रितिक भाई गेम के लिए आवाज उठा रही है सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर रितिक भाई को गेम की इतनी ही चिंता थी तो वो काफी टाइम पहले भी ये चीजें कर लिए होते। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जिससे आप लोग को पता चलेगा रितिक भाई की सच्चाई कि क्या वो ये सच में फेम के लिए कर रहे हैं या तो ये गेम के लिए हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, नो टॉपर। तो ज्यादा बातें ना घुमाते हुए मैं सीधे मुद्दे पे उतरता हूँ। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं रितिक भाई को, उनका कहना ये है कि टीएचजी रितिक भाई खुद ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे टॉप अप करने के लिए। और अगर हम लोग टीएचजी रितिक के कंटेंट के बारे में बात करें, जी नहीं सेकंड चैनल ही मेन चैनल के बारे में, तो वो नूब टू प्रो वाली वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो किसी एक नूब आईडी को पकड़ते हैं, उसमें बहुत सारा टॉप अप करते हैं, उसमें नई नई चीजें खरीदते हैं, जिसको देख के हो सकता है बहुत सारे बच्चों का भी मन करता होगा कि यार हमारे पास भी कहां से बंडल होता, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं तो अपने पेरेंट्स की ही पॉकेट मार के टॉप अप करने लग जाते हैं। और अभी के टाइम पे टीएचजी रितिक अपने सेकंड चैनल पे ये भी कह रहे हैं कि टॉप अप मत करो। तो एक तरफ से टीएचजी रितिक भाई खुद टॉप अप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि टॉप अप मत करो। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है उन यूट्यूबर्स का जो कि अभी के टाइम पे रितिक भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी ये बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास उनके लिए एक पॉइंट है, उसको अच्छे से सुनना। अगर हम लोग कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें एक्शन होता है या तो खून खराबा होता है, तो उन मूवीज में डिस्क्लेमर दिया जाता है। अगर उस डिस्क्लेमर को हम लोग पढ़े तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये सारी की सारी चीजें फिक्शनल है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस मूवी को देखने के बाद किसी लड़के के ऊपर ऐसा जोश आया कि उसने पड़ोसी का खून कर दिया और ब्लेम जा रहा है सारी उस मूवी को कि उस मूवी को देखने के बाद उसने ये सब चीजें सीखी। अगर उस लड़के ने ये डिस्क्लेमर पढ़ा होता तो कहीं ना कहीं वो ये सब बवाल में नहीं फंसता। तो यहाँ पर गलती किसकी है, लड़के की या तो मूवी मेकर्स की? जाहिर सी बात है गलती है लड़के की, क्योंकि मूवी वालों ने तो अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन दिया था। अभी आप लोग सोचोगे कि दोस्तों मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यही सेम पॉइंट पड़ता है हमारे रितिक भाई के ऊपर। जब हमारे रितिक भाई और जयस भाई अपने मेन चैनल के ऊपर यानी कि टू साइड गेमर्स चैनल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो बहुत सारे डायमंड खर्च करते हैं, तो उन वीडियोस में वो खुद बोलते हैं कि ये सारे के सारे डायमंड हम लोग इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारी इन गेम से कमाई है और आप लोग ये सब चीजें मत करो। तो जाहिर सी बात है ये भी एक डिस्क्लेमर की तरह है, लेकिन कुछ मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जो कि डिस्क्लेमर सुनने के बाद ये सब चीजें सुनने के बाद भी टॉप अप करें, तो इसमें गलती हमारे रितिक भाई और जयस भाई की नहीं है, इसमें गलती है उस बच्चे की। तो एक चीज गाइस, आप लोग अगर गेम में अभी भी टॉप अप कर रहे हो भाई रुक जाओ, अभी से इतना कम कर दो टॉप अप, ठीक है? आप लोग मुझे किधर देखते हो तो भाई मैं कंटेंट के लिए कर रहा हूँ, मुझे उस चीज का पे मिल रहा है, बट आप लोग बेवजह का टॉप अप मत करो गाइस। अगर आप खेल रहे हो जो नॉर्मल कलेक्शन है उससे खेलो, ठीक है? भले आने दो, कैरेक्टर वगैरह बुइया पास वगैरह सब बंद कर दो भाई, कुछ मत लो एंड नॉर्मली खेलो, ठीक है? नॉर्मली खेलो एंड ट्राई करो इतना इनका टॉप अप गिर जाइए मंथ में कि इन्हें भाई रिप्लाई देना ही पड़े। तो आई होप आप लोग ये बात को समझ पाए होंगे। अभी हम लोग बात करने जा रहे पॉइंट नंबर 2 पे। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी, उन क्रिटिसाइज करने वाले यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं गाइस। वो हर बार एक ही पॉइंट लेके आते हैं कि टीएचजी रितिक को अगर बात करनी थी तो वो कुछ टाइम पहले भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे जब गेम बैन हुआ था, तो उनको इतने साल बाद ही गेम की क्यों याद आई? तो इन यूट्यूबर्स का कहना ये है कि टीएचजी रितिक भाई इतने सालों बाद वीडियोस इसलिए बना रहे क्योंकि टीएचजी रितिक भाई को पार्टनर प्रोग्राम से किक कर दिया, तो उस चीज का रिवेंज लेने के लिए टीएचजी रितिक भाई अभी के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं। खैर अगर आप लोग मेरे से ये बात पूछो तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल डिनाई करूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि टीएचजी रितिक भाई रिवेंज के लिए ये सब चीजें करेंगे, क्योंकि आप ऐसे 90% लोगों को ये सच्चाई नहीं पता कि रितिक भाई जब पार्टनर प्रोग्राम पे थे तो ऑफिशियली तो पार्टनर प्रोग्राम पे रह के ये सारी चीजें नहीं बोल सकते थे, बट उस टाइम पे उनके काफी अच्छे दोस्त थे जो कि मेरे भी काफी अच्छे दोस्त थे जिनका नाम है स्काईलॉर्ड, तो वो गेम में होने वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को स्काईलॉर्ड भाई को बताते थे। और आप लोगों को तो पता ही है कि स्काईलॉर्ड भाई ने अपने रहते रहते में कितनी फाड़ी है गरीना वालों की, और स्काईलॉर्ड भाई ने कभी भी रितिक भाई के ऊपर एक भी रोस्ट वीडियो नहीं बनाई। और इवन आप लोग ये भी जानते होंगे कि स्काईलॉर्ड भाई पूरी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जिसकी रिस्पेक्ट करते थे वो केवल रितिक भाई थे। अब आप लोग सोचोगे कि ये सारी की सारी बातें मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है, आप लोग रितिक भाई के मुंह से खुद सुन लो। ये चीज इसको नहीं पता गाइस, स्काई के साथ मेरी जितनी भी बात होती थी सब मेरी मैं कभी भी व्हाट्स मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी होती था ना फ्री फायर कम्युनिटी में, मैं अपने चैनल पे नहीं डालता था, मैं वो चीज़ स्काई को बताता था एंड स्काई करता था वो चीज़ मेरे लिए कि भाई स्काई के नंबर कितने थे अपने पास क्योंकि अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी ना मेरी भी, अगर मेरे को भी कुछ चलो अभी स्पोर्ट्स में ये सही नहीं हो रहा, तो वो चीज़ मैं लेके जाता था उसके पास एंड फिर स्काई उसको अच्छे से पेलता था आगे फ्री फायर वालों को। तो ये
हमारा कुछ ऐसे था, मैं ऑनलाइन ये सब नहीं करता था लाइव आके, अब मेरे को करना पड़ रहा है। बट ये अगर अभी भी कुछ होता तो ये उसके चैनल पे होता ये सब चीजें, बट ये। तो इस बात को सुन के कहीं ना कहीं उन यूट्यूबर्स को तो जवाब मिल गया होगा जो कि कह रहे थे कि ऋतिक भाई ने आज ही क्यों आवाज उठाई। तो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि ऋतिक भाई जब वो पार्टनर प्रोग्राम पे भी थे वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते थे कम्युनिटी को, भले ही वो स्कैलर भाई को बता के हेल्प करते थे खुद सामने ना आके, लेकिन हेल्प तो हेल्प होती है दोस्तों। और इवन अगर स्कैलर भाई अभी भी हमारे साथ होते तो ऋतिक भाई सारी की सारी प्रॉब्लम स्कैलर भाई को ही बताते, ऋतिक भाई खुद इस मुद्दे पे बात नहीं करते। बट अफसोस अभी के टाइम पे उनको खुद इस टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी चीजें रिवेंज के लिए नहीं की जा रही। आप लोग को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि पार्टनर प्रोग्राम कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से ये भी सुना होगा कि वो जब तक पार्टनर प्रोग्राम पे थे तब तक वो गेम के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन पॉइंट नंबर 2 सुनने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं समझ गए कि वो भले अपने मुंह से नहीं बोलते थे लेकिन स्काईलॉर्ड भाई उनकी काफी मदद करते थे। तो जब जंगल में एक शेर है तो दूसरे शेर को आने की क्यों ही जरूरत। एंड चलो इन यूट्यूबर्स की बात मान भी लेता हूं कि पार्टनर प्रोग्राम में वो जब तक थे तब तक उन्होंने बात नहीं करी, बट वो एटलीस्ट अभी के टाइम पे तो बात कर रहे हैं। तो क्या हम लोग को उनका साथ देना चाहिए या तो हम लोग को उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो हमें उनका साथ देना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग यही चाहते हैं कि गेम जल्दी से जल्दी आ जाए, और गेम को लाने के लिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। अगर हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है हम लोग उससे भटक जाएंगे और हमें जवाब नहीं मिलेगा। तो मैं बस अभी के टाइम पे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहना पड़ेगा, हम लोग को बस आंसर चाहिए गरीना वालों से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ जो कि है कंक्लूजन। तो गाइस वीडियो की एंडिंग में हम लोग पहुंच ही चुके हैं। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं जो कि मैं दिल से कहना चाहता हूं कि टीएचजी ऋतिक भाई का पास्ट भले ही कुछ भी रहा हो, वो भले ही कुछ भी चीजें करते हो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग को इस मोमेंट में उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि टीएचजी ऋतिक अभी के टाइम पे काफी सारे सब्सक्राइबर लिए बैठे हैं और वो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कम्युनिटी में इतनी ज्यादा हलचल मच चुकी है। आप लोग को क्या लगता है टीएचजी ऋतिक के अलावा अगर मैं आवाज उठाता या तो कोई और यूट्यूबर आवाज उठाता तो ये बात इतने ऊपर तक पहुंचती? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग को स्ट्राइक मिल जाती अभी तक, हमारा मुंह बंद करा दिया जाता। लेकिन अभी ये बात काफी ऊपर लेवल तक पहुंची है, इसलिए अभी के टाइम पे हम लोग को टीएचजी ऋतिक भाई को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है जो कि अभी के टाइम पे रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है और कहीं ना कहीं उन्हीं की मदद से हम लोग फ्री फायर इंडिया को इंडिया में वापस लेके आ सकते हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स अभी के टाइम पे जो ऋतिक भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही ऋतिक भाई आप लोगों से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो क्यों आप लोग कुछ व्यूज के लिए हमारे ऋतिक भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हो? भाई हम लोग का लक्ष्य है इंडिया में फ्री फायर को लेके आना, तो हम लोग को अपने लक्ष्य में लगे रहने दो। अगर आप लोग को इतनी ही परेशानी है तो इस चीज से हट जाओ, और अगर आप लोग को साथ देना है तो यार आप लोग आओ, आप सभी का वेलकम है, लेकिन क्रिटिसाइज मत करो एटलीस्ट अभी के टाइम पे। क्रिटिसाइज करना ही है तो तब करना जब गेम आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई है गरीना के खिलाफ ना कि एक दूसरे से। अगर हम लोग एक दूसरे से ही लड़ते रह जाएंगे ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत सारे लोग मेरे से भी कहते हैं कि तू व्यूज के लिए ये सब चीजें कर रहा है, तो भाई अगर मेरे को व्यूज चाहिए होते तो मैं अपना शॉर्ट कंटेंट बनाता जिससे मेरे को बहुत सारे व्यू आ रहे थे और मेरी काफी सारी अर्निंग भी हो रही थी। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है आप लोग को मजाक लग रहा होगा कि केवल 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैंने फ्री फायर खेल के कमाए हैं, बाकी के 4 मिलियन सब्सक्राइबर मेरी शॉर्ट वीडियो से हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं फायदा तो शॉर्ट वीडियो बनाने में ही हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे कम्युनिटी को मेरी जरूरत है इसलिए मैं दोबारा फ्री फायर गेम पे आया हूं। तो गाइस जितने भी यूट्यूबर अभी के टाइम पे ऋतिक भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनसे कोई आप लोग हेट मत करो, आप लोग उनको बस एक चीज समझाओ कि भाई अभी के टाइम पे हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, ये क्रिटिसिज्म तो जिंदगी में लगा रहेगा। भाई हम सभी फ्री फायर खेलने वाले आपस में भाई बंधु हैं, हम सभी क्रिएटर्स आपस में भाई बंधु हैं, और भाई भाई में तो आपस में लड़ाई होती ही है, लेकिन ये लड़ाई बाद में लड़ी जाए, अभी के टाइम पे हम सभी भाइयों को एक होना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी भाई अलग हो गया ना तो हमारी ये जो आवाज है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी और गरीना वाले इसका फायदा उठा लेंगे। तो गाइस वीडियो की एंडिंग में बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऋतिक भाई ने ट्विटर में एक ट्वीट किया है, आप लोग जितना हो सके उस ट्वीट को रीट्वीट करो, क्योंकि अगर आप लोग रीट्वीट करोगे वो भी ज्यादा संख्या में तो मुझे ऐसा लगता है 99% चांसेस ये है कि गरीना वालों की ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, वो भी इंडिया से नहीं सीधा सिंगापुर से। सो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।